प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय करा कि देश को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाना है तो हमें बच्चों में, यूथ में रहे हुई टैलेंट को आइडेंटिफाई करना होगा, खेलों के लिए, स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा, उसको अपॉर्चुनिटी मिले उसके लिए व्यवस्था करनी होगी, नेशनल गेम्स का आयोजन करना होगा, तब जाके देश स्पोर्ट्स में आगे बढ़ पाएगा। और इसलिए इस बजट में भी 900 करोड़ से अधिक आवंटन खेलो इंडिया में करा गया है। हमारी मनु भाकर ने भी खेलो इंडिया से, उन्होंने अपनी कैरियर चालू करी थी। खेलो इंडिया में खास करके दो प्रकार के इनिशिएटिव महत्वपूर्ण है। एक है कीर्ति प्रोजेक्ट। कीर्ति प्रोजेक्ट के तहत युवाओं में टैलेंट को आइडेंटिफाई करने का कार्यक्रम चल रहा है। सारे देश में ऐसे युवाओं को आइडेंटिफाई करके जिसमें स्किल है, अच्छा खेलते हैं, स्किल के टैलेंट है, कंपटीशन में आगे है, ऐसे हमारे प्लेयर को हॉस्टल में रख के अच्छी ट्रेनिंग देके, अच्छे कोच देके उसको तैयार करा जाता है। वैसे ही मनु भाकर के लिए भी तैयारी हुई थी। और खेलो इंडिया के तहत टॉप्स के द्वारा, यानी कि ऐसे खिलाड़ी जो टारगेटेड ओलंपिक पोडियम स्कीम, यानी कि उसको जो टैलेंट है जिस खिलाड़ियों में, उसको टारगेट करना है, उसको विशेष ट्रेनिंग देनी है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि जो हमारे 117 प्लेयर ओलंपिक्स में गए हैं, ये सभी को टॉप्स के तहत आर्थिक व्यवस्था उपलब्ध कराई गई, यानी कि उसको बेस्ट कोचिंग दिया गया, उसको विदेश के कोच की आवश्यकता होगी तो विदेश के कोच हायर करा गया, उसका खर्च टॉप स्कीम के तहत करा गया, उसको विदेश में ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो विदेश में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। जो हमारे 117 प्लेयर है, सभी को ये योजना का लाभ मिला है।